नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये जो लोकेशन है, ये आपको बता दें कि ये सामने सारे जो घर बने हैं ये पीजी हैं। इस तरफ सारा जो सिस्टम है ये सारा पीजी है। और ये जो फ्लैट बन रहे हैं यहाँ पे 3 BHK फ्लैट बन रहे हैं। पीछे पेड़ हैं, पेड़ों के पीछे मेन हाईवे चल रहा है लुधियाना रोड वाला। तो टोल से वहां से सीधा कॉर्नर से टोल है, टोल से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो ये सारा GBP क्रेस्ट है जिसको बोलते हैं। ये सारा GBP है और ये गुरफते टाउनशिप है। पीछे आगे गेटवे है। तो यहाँ पे ये 3 BHK बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं 3 BHK, 100 गज के अंदर 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम, किचन और छोटा सा हॉल इसके अंदर बना दिया गया है। 4990 इसका प्राइस है। ये डबल स्टोरी कोठी बन रखी है, 2 बेडरूम हॉल किचन नीचे हैं, 2 बेडरूम हॉल किचन फर्स्ट फ्लोर पे हैं, रेडी टू मूव है। ये 8990 की है, यानी कि 90 लाख से 10,000 रुपया कम, और ये 50 लाख से 10,000 रुपया कम। और इसी कोठियों की लाइन के अंदर हमारे पास प्लॉट पड़े हुए हैं 100 गज के और 108 10 गज के। इसकी बैक साइड के ऊपर पार्क फेसिंग प्लॉट पड़े हुए हैं। तो ये सारे एरिए के अंदर काफ़ी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ये जो लोकेशन है ये 101% PG लोकेशन है। यहाँ पे फैमिलीज कम रहती हैं, ये समझिए कि 98% यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं, 2% फैमिलीज हैं। फैमिलीज भी वो हैं जो नीचे रह रहे हैं और ऊपर उन्होंने किराए पे दिया हुआ है, यानी कि जिनका पर्पस रेंटल इनकम है। तो ये सारा के सारे जो फ्लैट हैं 100% यहाँ पे ऑक्यूपेंसी आनी ही आनी है। और दिन के अंदर यहाँ पे 100 से 125 स्टूडेंट रोज नया आता है जो यहाँ पे रेडी टू मूव अकोमोडेशन ढूंढने आता है। बहुत सारे जो रेंटल का काम करते हैं कंसल्टेंट या ब्रोकर, वो भी यहाँ घूमते रहते हैं सारा दिन, और वो भी रेंट के लिए अपने क्लाइंट्स, जो उनके क्लाइंट्स स्टूडेंट्स क्लाइंट्स हैं उनके लिए ढूंढते रहते हैं। बहुत से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने भी रेंटल का काम शुरू कर लिया है। वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही स्टूडेंट्स घूम के आते हैं, लेके आते हैं और फिर वो यहाँ पे उनको रेंट आउट कराते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो मार्केट है इसमें बहुत सारा सर्कल जो है वो रेंटल में काम करता है, कुछ इन्वेस्टर के तौर पे, कुछ ब्रोकर के तौर पे। तो अब पर्पस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रेंटल इनकम आए, तो ये जो 3 BHK यहाँ पे आपको मिल रहा है, जो कि अभी फिनिशिंग चल रही है, 1-1.5 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका 49 प्राइस है। अब मोस्टली लोग ये कहते हैं कि अगर 50 लाख रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका 25,000 रुपये रेंट आ रहा है, तो इट इज़ गुड इनकम। तो यहाँ पे वो हमेशा आपको आती रहेगी, 3 बेडरूम है, 25,000 रुपये आराम से आपको रेंट आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे कोठी है जिसके अंदर 4 बेडरूम है, 8990 है इसका दोनों फ्लोर का, क्योंकि यहाँ पूरे का पूरा फ्लोर है। तो यहाँ पे जो 4 BHK कोठी है जिसके अंदर 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, और ये दोनों फ्लोर जो है 8990 की प्राइस है। तो ये अगर आप इसको 85 नेगोशिएशन करके भी समझो कि 85 में अगर आपको मिल रहा है ये, तो उसका 40 से 45,000 रुपये आपको रेंट आ जाएगा दोनों फ्लोर का मिला के। तो ये प्रपोजल है कि जो हम इतना इन्वेस्ट करते हैं उसका 50 पैसा जो है ये काउंट होता है और इसको अच्छा रेंटल माना जाता है। बाकी कुछ ऐसे भी 3 BHK यहाँ बने हुए हैं जो 3 स्टोरी बने हुए हैं या 2 बेडरूम बने हुए हैं, जिनका रेंटल इनसे थोड़ा सा ज़्यादा रेशो में ज़्यादा आ जाता है, यानी 50 पैसे की जगह पे 60 पैसे भी आ सकता है, 65 पैसे भी आ सकता है, लेकिन वो कंटिन्यू लंबा समय नहीं रहता, बीच में गैप आ जाता है। तो जो एवरेज निकलती है वो 50 पैसे की ही निकलती है। तो 50 पैसे मतलब अगर 50 लाख लगाया है तो 25,000 रुपये आपको पर मंथ रेंट आता ही रहे एवरेज महीने का। तो इसी को गुड इनकम मानते हैं और यही एक्चुअल में आती है। कुछ लोग ज़्यादा कमिट कर देते हैं जी, इतना रेंट आ जाएगा, 35,000 आएगा, 40,000 आ जाएगा, वो ओवर कमिटमेंट होती है। वो हो सकता है कई बार तुक्का लग जाए, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, क्योंकि जो रेंट पे करने वाला है वो भी लेफ्ट राइट घूम के थोड़ा देख लेता है जब, तो फिर वो छोड़ देता है। तो हाई रेंट यहाँ पे कम मिलता है। हाँ, इस प्राइस जो 50 पैसा, यानी कि अगर 50 है तो 25,000 रुपया
इस प्राइस में आपको हमेशा रेंटल आता रहेगा। तो ये पीछे जितने भी चढ़े हुए हैं इन सब के अच्छे रेंट आ रहे हैं। अगर आप भी कोई रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, इन सब के ऊपर लोन मिल जाएगा, नक्शा पास है। अब ये बना बनाया है, कुछ लोग कहते हैं हमने बिल्डर बनना है, तो इसी लाइन में, जैसे ये बिल्डर साहब ने यहाँ पे कोठियाँ बनाई हैं, इसी लाइन में आगे जाके दो चार प्लॉट पड़े हुए हैं हमारे इन्वेस्टर्स के, इनकी बैक साइड के ऊपर ईस्ट फेसिंग प्लॉट पड़े हुए हैं हमारे इन्वेस्टर्स के, तो वो प्लॉट आप लेकर भी खुद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और खुद कंस्ट्रक्शन करके सेल कर सकते हैं और रेंट पे चढ़ा सकते हैं, तो आपको जो बिल्डर का मार्जिन है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है प्लॉट का, वो 40,000 जो फ्रंट पॉकेट है यहाँ पे 40,000 की डिमांड हो रही है, और जो पीछे जाके गुरफतेह का एक और पीछे जाके पार्ट है उसके अंदर आपको 35,000 में भी प्लॉट मिल जाएगा, हमारे पास अवेलेबल है। और मिनिमम प्राइस यहाँ पे 35 है और मैक्सिमम इस एरिया के अंदर 40 का प्राइस है, तो 35 से 40 के बीच में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा। और अगर आप 40 लाख अगर आप ये प्लॉट माने, ये वाला जो कोठी है, और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए 30 लाख तो कम से कम लगेगा ही, तो 70 लाख की आपकी कोठी तैयार हुई। अगर 70 लाख बंदा लगा रहा है, 6 महीने वेट कर रहा है, तो 10 लाख उसका प्रॉफिट कम से कम तो बनता ही है, तो इस हिसाब से वो प्रॉफिट आपको बच जाएगा अगर आप तो इस तरीके से काम करना चाहते हैं। और इसके आसपास और पीछे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक और कैंपस है, वहाँ पे भी स्टॉक है, इस तरफ भी हमारे पास स्टॉक है, तो हमारे पास यहाँ पे आसपास काफ़ी स्टॉक है। तो जब भी अगर आप यहाँ घूमने आएँ इन टाउनशिप्स के अंदर, तो एक फ़ोन कॉल हमें भी कर लिए, ताकि हम भी आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो दिखा देंगे, बाद में आपने अपने हिसाब से जो चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।